नमस्कार, सुबह का राम राम। दोस्तों, राजनीतिक सुर्खियों में इस समय राजा भैया की काफ़ी चर्चा में है। अभी जो कल की न्यूज है उसमें यह है कि उन्होंने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से भी संपर्क साधा है। वही राजा भैया कभी अखिलेश की सरकार में, मुलायम की सरकार में ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन बीच में क्या रहा, ये समझ से परे रहा कि राजा भैया और अखिलेश समाजवादी पार्टी से दूरी बन गई। लेकिन जब राजा भैया ने अपने दल को तैयार किया तो अब वो अपने बल पर राजनीति करने का पूरी तरह से प्रयासरत थे, और जिले में, खासतौर पर प्रदेश के सभी जनपदों में उन्होंने खासतौर पर अपने संगठन को तैयार किया। लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से संपर्क साधा है, तो अब ये राजनीतिक सुर्खियों में राजा भैया का नाम, समाजवादी पार्टी से अखिलेश और मुलायम से मिलने का जो चर्चाएं लखनऊ से लगाए दिल्ली तक चल रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश और मुलायम के मंच पर राजा भैया भी आ सकते हैं। तो अब तक की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल बलिया से हूँ, नमस्कार। आइए राजनीतिक सुर्खियों के बात करें, खासतौर पे सुबह सुबह का वक्त। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई, क्या हाल चाल है राजनीति की, बताइए कुछ क्या चल रहा है? चल रहा है एकदम, भाजपा और सपा में बराबरी चल रहा है। भाजपा अभी आगे है, अभी तक तो अभी राजा भैया समाजवादी पार्टी से मिले। राजा भैया कभी भाजपा के नहीं थे। जी जी, कभी भी नहीं जी, वो सपा के थे, सपा के साथ रहे हैं। जी 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 जी। तो आगामी विधानसभा में क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन दिख रहा है? आगामी विधानसभा में लोगों का यही कहना कि योगी जी एक बार फिर योगी सरकार। क्यों, आपका क्या राय है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, आपकी क्या राय है? योगी जी की सरकार बनेगी। आपकी भी राय योगी सरकार? तो भीड़ जा रही है अखिलेश की तरफ। जी जी, मतलब आप अखिलेश सरकार चाहते हैं? भीड़ जो है ललकार रही है अखिलेश को। जी, आप किसको चाहते हैं? बीजेपी तो चार है, एक आप तो पूर्ण बहुमत में नहीं है। चलिए, मित्र हैं, दोस्त हैं, हंसते रहिए। बहुमत तो भीड़ में है, यहाँ नहीं है। भैया, आप लोग अब इस बार किसको चाहते हैं, किस सरकार को चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं या फिर वही सरकार चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं जी। आप चाहते हैं वही सरकार चाहते हैं? हम परिवर्तन चाहते हैं जी। परिवर्तन चाहते हैं, क्यों? जो समस्याएं सामने बहुत आ गई क्या? जी हाँ, समस्या सामने आ गई बहुत जी। क्या रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया? जी हाँ, रोजी रोटी का भी संकट है जी, और सबसे बड़ी तो समस्या है कि महंगाई। जी हाँ जी। देखिए, आज के डेट में मैं अपनी बाइक एक महीने से नहीं चला रहा हूँ, तेल इतना महंगा हो गया जी। सैलरी कम पाते होंगे जी। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं परिवार के लिए, चलाने के लिए जी। हाँ, तो इस सरकार में कुछ आवाज़ उठाते भी है तो दब जाती है जी। हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों को तो बहुत बड़ा निजीकरण को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन भी तो किया है, कुछ लाभ नहीं मिला जी। नहीं। तो सरकार बदलने का कारण ये है कि बेरोजगारी, महंगाई, हाँ, भ्रष्टाचार अधिक है, उसको लेकर आप सरकार चाहते हैं जी। सरकार किसी की हो लेकिन भाजपा की ना हो, आप कहने का मतलब ये? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो हम सुबह के वक्त कलेक्ट्रेट के ग्राउंड में टहल रहे हैं, लोगों की राय मैंने लिया, लोगों से आपने सुना भी देखा भी कि उनके कहने का जो मतलब सामने आया, उन्होंने कई लोगों का ये है कि नहीं, हम सरकार बदलना चाहते हैं, कुछ लोगों ने नहीं, हम सरकार वही चाहते हैं, योगी सरकार चाहते हैं। तो दोनों लोगों में बातचीत में हमने देखा, किसी ने कहा कि सरकार में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसी ने कहा भ्रष्टाचार बढ़ गया, किसी ने कहा नहीं, इस सरकार ने शांति व्यवस्था, बिजली गैस वगैरह सब कुछ अच्छा दे रही है, और घर पे गांव-गांव शौचालय आवास सबको मिल रहा है, इसलिए हम इस सरकार को चाहते हैं। तो सरकार किसकी बनेगी, कब बनेगी, ये तो चुनाव तय करेगा, लेकिन आम मतदाताओं से अगर यदि बात करें आप, तो मतदाताओं की राय अलग अलग है। लोग सुबह के वक्त में हमें बहुत लोग मिलते हैं और लोगों से अलग अलग राय ली जाती है, सबकी अपनी राय, अब की बार किसकी सरकार। आइए हम बात करते हैं लोगों से। क्या भाई राकेश जी, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया बढ़िया। सरकार अच्छी चल रही है? सरकार एकदम ठीक चल रही है। सरकार फिर अभी योगी चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, योगी सरकार में कुछ क्या खासियत दिखता है आपको? खासियत हमको ये दिखता है कि भाई जितने भी गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं जी, उनको इन्होंने खात्मा किया है। हाँ। और शांति वाला सरकार जो है, माफिया राज खत्म किया। और इसके मुद्दे पर हम पुनः चाहते हैं बीजेपी सरकार। बिल्कुल पुनः। ठीक ठीक, धन्यवाद।
फिर मैंने कहा ना कि अभी मैंने रायली राकेश श्रीवास्तव जी से, उन्होंने ये कहा कि नहीं हम माफिया राज प्रदेश में ख़त्म हुआ है, माफिया राज के खात्मा के लिए मैं योगी सरकार को पुनः चाहता हूँ। तो एक है कि कुछ लोगों का कहना है कि माफिया राज खत्म हुआ, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं बेरोजगारी बढ़ी है सरकार में। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन सरकार किसकी अच्छी होगी इसको लेकर प्रतिक्रिया चल रही है। अच्छा इस बार आप लोग क्या चाहते हैं, जो नई सरकार बने किसकी बने, परिवर्तन चाहते हैं कि वही चाहते हैं? नहीं, वही चाहते हैं, योगी सरकार चाहते हैं। योगी सरकार चाहते हैं, अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। क्या क्या हुआ खास एकाक दो बताइए इस सरकार में, पब्लिक जानना चाहती है। अब पब्लिक कुछ तो हुआ ही है जी, सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है इसलिए आप चाहते हैं, खासकर कोरोना काल में सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया जी, इसलिए आप सरकार चाहते हैं।